जल्दी जल्दी उतारते हैं ये, क्योंकि बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, और जल्दी से अपना काम करते हैं कंप्लीट। आपके भाई के लिए मैंने आज कुछ बनाया भी नहीं है, क्योंकि घर पे आगे पहले पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, आज उन्होंने भी छुट्टी की, तो कोई बच्चा नहीं है जिससे मैं कुछ सामान मंगवा लेती। लेकिन अभी चले अल्लाह ताला खैर करे, वो खुद आ जाएंगे तो लेके आएंगे। वेदर अच्छा है माशाल्लाह, तो ये काम लाजमी करना है। आज उन्होंने कुछ खाने, ओह माय गॉड नीचे गिर गया ये। चलें जी इसको फैला देते हैं यहाँ पे, ताकि ना ये खुश्क हो जाए। आपके भाई को बस एक ही होती है, घर पे आएंगे तो वो चावल खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है वो घर वाली रौनक तो नहीं होती है ड्यूटीज़ वगैरह पे, मैस वगैरह पे। बस आपको पता है जैसा खाना मिल गया वैसा खा लिया। लेकिन घर में अगर आप आते हैं तो आपकी यही तो मौज होती है कि घर में आपका जो दिल करता है आप करते हो। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो चावल ही खाएंगे, बिरयानी वगैरह। तो ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है, तो मैं बड़ी खुश हूँ आज। दिल ऑटोमेटिकली जो है ना खुश हो जाता है बंदे का ऐसा वेदर देख के। और एक जो है एक इधर रखते हैं, इधर खुश्क हो जाएगा। और तकरीबन 9:15 का टाइम हो गया है, और उसके बाद जो है ये अचार रखा हुआ है जी, और ये बादाम वगैरह भिगो के रखे हैं, या अभी बनाती हूँ थोड़ी देर तक पानी आपके भाई के लिए। चले आप लोगों ने व्यू तो देख लिया है, थोड़ा सा बाहर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। बाहर ऊपर यानी कि सीढ़ियों से थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऊपर चढ़ना आ गया, और अरहम जो है ना वो इस सीढ़ी तक आ जाता है, उसके बाद मैंने इसको नीचे उतार दिया। चले आप लोगों को दिखाती हूँ ऊपर जाके। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ है। ये देखें ये फसलें आप लोगों को नज़र आ रही है, और बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है इसलिए हम लोग नीचे चलते हैं। चलो और अरहम भी मेरे पीछे आ गया था इसलिए मैं नीचे आ गई। खैर साइकिल अंदर रखो, रख दो अपनी, जाओ बारिश आ रही है, चलो अंदर रखो शाबाश। आप चैनल को लाजमी सपोर्ट दिया करें, क्योंकि अगर आप किसी एक को कामयाब कर देंगे ना, तो अगर तो वो इंसान हुआ तो आपका एहसान नहीं भूलेगा सच में। अगर उसमें इंसानियत बाकी है तो वो भी आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे आगे जाके। लेकिन ये दस्तूर बन गया है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो बड़े अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, फिर वो दूसरे बंदे को बस लाइक दे के, कमेंट को लाइक कर दिया और ओके करके बस ख़त्म। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको किसी ने सपोर्ट दिया है, आप लोगों को भी इसी प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से आप लोग कामयाब हो गए, तो वीडियो कौन नहीं अच्छी बनाता, वीडियो हर कोई अपनी कोशिश से अच्छी बनाने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरीके से ना इंटरटेनमेंट करे। चले खैर मैं काम कर लूँ, उतनी देर में मैं नहा भी लूँ, बच्चों को भी कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ और पानी वगैरह बना लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से बात करते। हो सकता है जब आपके भाई आ जाए तभी व्लॉग स्टार्ट। जी व्यूअर्स, तो आपके भाई भी आ गए, अब उनसे बात करते। मैंने आपसे बोला था कि जब वो आ जाएंगे तब व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो चले बाकी जो वीडियो है अब इनके साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमए फैमिली की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। समय तो गए होंगे कि मेरे गेस्ट है और मैं आ गया हूँ घर, लेकिन इस दफ़ा घर आने में तकरीबन 10 दिन लग गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी थी, आपको बताया होगा अरहम की मम्मा ने। तो आज ही मैं घर आया, मौसम बड़ा प्यारा है, बादल छाए हुए हैं, बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। तो आते ही माशाल्लाह अरहम की मम्मा की फरमाइश शुरू हो गई थी, आते ही अरहम की मम्मा की फरमाइशें शुरू हो गई थी। मैं आया हूँ तो उन्होंने बोला कि जी अरहम का सीरी लैग जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो लेके आओ। उसके अलावा जी उन्होंने एक फरमाइश की थी कि जी मैंने पेठे का हलवा खाना है। तो अभी हमारा गांव जो है ना उसमें किसी भी शॉप से पेठा नहीं मिला। सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें झूठ कौन सा है। तो किसी भी शॉप से नहीं मिला, तो उन्होंने कहा था कि सिटी से ढूंढ के लाना है, मुझे चाहिए, मैंने हलवा बनाना और खाना है। तो मैंने तो कभी पहले खाया नहीं पेठे का हलवा, मैंने सुना भी इससे है कि पेठे का हलवा बनता है, ठीक है। तो अभी जब बनाएंगी खाएंगी फिर पता चलेगा। तो बाकी चीज़ें तो बस दो तीन ही लानी थी, लेकिन उसके अलावा फिर मैं बाकी चीज़ें लेके आ गया हूँ। तो उसमें ये है कि ये अरहम का सीरी लैक है, रेड फ्रूट्स जो वो शौक से खाता है। उसके अलावा हमने आज, क्योंकि मैं राइस शौक से खाता हूँ,
तो ज़ाहिर है मैं आज ही आया हूँ, तो मसीह को मैंने फरमाइश की थी कि चावल बना दे मेरे लिए, ठीक है। तो उन्होंने चावल बनाए हैं, तो मैं फिर ये दही भले लेके आया हूँ, इसे खाएंगे हम, ठीक है। इसके अलावा मिसिस की जो पसंद करती है वो आप समझ गए होंगे देख के, शवारमा, वो इनके लिए लेके आया हूँ अपनी मर्ज़ी से। और ये अरहम के लिए केले लेके आया हूँ क्योंकि वो शौक से खाती हैं। इसके अलावा ये पेठा तो इनकी पसंद है, मेरी नहीं है। तो बाकी खीरे जो हैं वो हम वैसे सलाद के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अभी मैं पहुंचा था घर, तो आते ही इन्होंने शुरू हो गई, यानी कि मेरे साथ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा चले ठीक है, व्यूअर से बात भी कर लेते हैं और व्लॉग बन जाएगा। हाँ ये तो है बिल्कुल, 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मैंने वो 14 अगस्त वाली वीडियो सेंड की थी। ये तो है बिल्कुल बिल्कुल, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी, क्योंकि 10 दिन बाद बंदा घर आता है तो ज़ाहिर बड़ा मिस करता है बच्चों को भी। हाँ तो इसी खुशी में आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ एक गुड न्यूज़ और है कि एक छुट्टी भी मिल गई हमें, 10 दिन उधर रहने की वजह से एक छुट्टी मिल गई है। तो चलो इस तरह यानी कि हम 3 दिन घर में स्पेंड कर लेंगे माशाल्लाह। तो बाकी अभी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था तो भूख लगी हुई है, तो अभी हम इंशाल्लाह बिरयानी खाएंगे। आप सबको भी इनवाइट करते हैं, आए हमारे साथ खाना खाएं। तो बिल्कुल जो न्यू व्यूवर फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। पेठे का हलवा ये जब बनाएंगी ना तो वीडियो बना, ब्लॉग बनाना है आपने, ठीक है, और व्यूवर्स को दिखाना भी आपने, क्योंकि मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा कि पेठे का हलवा बनता है, और खाया भी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं खाया यार। तो चलें देखेंगे फिर, ये है पेठा, अभी देखेंगे कि ये पेठे का हलवा कैसे बनाती है और जो जब बन जाता है तो क्या टेस्ट होता है उसका, कैसा टेस्ट होता है, ये हम फिर जब बनाएंगे खाएंगे तब बताएंगे। अभी हमें तो कुछ नहीं पता क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। आप जब बनाओगी तो ज़ाहिर है आपने व्लॉग ज़रूर बनाना है ताकि व्यूवर्स को भी पता चले कि पेठे का हलवा कैसे बनता है और जायका कैसा होता है। नहीं पॉइंट पिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैंने आज तक यानी कि खाया नहीं है ना कभी। असल में मैं सब्ज़ी की वैसे रिज़्क है गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पेठा कम खाता हूँ, ठीक है। कोई खाते हैं मुझे पहले ये मैं आलू खाता हूँ, कद्दू नहीं खाने, आलू खाता हूँ नहीं मैं बता रहा हूँ आप, आलू खाता हूँ, गाजर खाता हूँ, मूली खाता हूँ, दाल चना, दाल माश, मसर, नखरे वाली नहीं, ये गरीब लोगों की दालें होती हैं, नखरे वाले लोग सब्ज़ियाँ खाते हैं, बैंगन खाते हैं नखरे वाले लोग, पेठा खाते हैं नखरे वाले, गरीब लोग दाल खाते हैं, दाल मसर, दाल माश। नहीं नहीं बैंगन गरीब का, बैंगन बहुत अमीर सब्ज़ी है, अमीर लोग खाते हैं। जी जी बिल्कुल, वो मैं अक्सर चने की दाल में डलवा के खाता हूँ, आपको पता होना चाहिए, चने की दाल के साथ मैं लाइक करता हूँ उसको, ये बात नहीं। हाँ उसका जो है वो कद्दू शरीफ का आप जो बनाती हैं ना वो रायता, वो कमाल बनाती हैं माशाल्लाह आरम की मम्मा, तो वो मैं ज़रूर शौक से खाता हूँ, वो मैं रोटी के साथ ना भी खाऊँ तो वो मैं वैसे खा जाता हूँ। तो चलें अब हम लोग खाते हैं। हाँ इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह काइंडली जो ना ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह कल फिर बनाएंगे, कल इधर ही हूँ मैं इंशाल्लाह, तो कल व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। कल बनाना है ये, आज खाना है बता, नहीं आज नहीं कल खाएंगे। चलें ठीक है, कल व्यूवर्स ये पेठे का हलवा भी बनाएंगे और हमें बताएंगे भी कैसे बनता है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं बनाया था। हाँ ठीक है, तो फिर खा टेस्ट करके भी देखेंगे कैसा बनता है। तो इसके साथ ही हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।